हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको एक खास किस्म की ट्रिक सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी डेट्स लिखी हुई हैं। ये डेट लिखा हुआ है, अलग अलग डेट लिखा हुआ है, एक ही मंथ का कई डेट लिखा हुआ है। अब चूंकि दिसंबर तो अभी आया नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि इसमें संडे वाला डे जो है हाईलाइट हो जाए अपने आप। ठीक है, अब ये तो छोटी सी एक रेंज है, अब ये बहुत बड़ी रेंज में भी हो सकती है। तो कैसे करेंगे ये, तो आपको करना क्या है, इस पूरे डेट को सेलेक्ट कर लेना है, हेडिंग सही तो पूरे डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है, सीधा चले जाना है होम टैब पर। यहाँ पर मिलता है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये दिख रहा है, बस इसी एरो पे क्लिक कर दीजिए, नीचे आ जाइए। नीचे आपको मिलेगा न्यू रूल्स, बस इस न्यू रूल पे करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरह की विंडो आएगी। अब यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर टिक कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर आ जाइएगा। ये आ गए, यहां पर आने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर आने के बाद आपको इक्वल्स टू लगाना है और इक्वल्स टू लगा करके एक फॉर्मूला लगाइएगा वीक डे का। क्या लगाइएगा, वीक डे। देखिए मैंने लगा दिया वीक डे। अब करना क्या है, अब इस डेट, ये जो डेट वाली हेडिंग है ना, हेडिंग को सेलेक्ट कर जाइएगा। ये बन गया है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, देख सकते हैं दोनों के पहले डॉलर लग गया, लेकिन ये जो रो के पहले डॉलर है उसे हमें हटा देना है, हटा दिया। चलिए अब क्या करना है, अब यहां पर इसे कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के क्या करना है, यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है टू, कॉमा लगाया और यहां पे लिख दिया टू। और यहां पे क्या करना है, इज ग्रेटर देन सिक्स करना है, इज ग्रेटर देन सिक्स। ठीक है, अब यहां पे इज ग्रेटर देन लिखिएगा, इज ये वीक डे इज ग्रेटर देन सिक्स, तो ये कर दिया इस तरीके से। और यहां पर दिखेगा आपको फॉर्मेट, तो फॉर्मेट टैब पे जाइएगा और जो भी फॉर्मेट आप चाहते हो, जैसे मैं इसे ये येलो कलर में हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये येलो कर देता हूँ। ठीक है, येलो कलर में मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ तो ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद तो संडे तो दिख नहीं रहा है, कौन कौन से डे पर है, तो कैसे दिखेगा, तो दिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे ओके करना है। तो ओके करते ही यहाँ पे संडे वाला डे हाईलाइट हो जाएगा। अब क्योंकि हमको क्रॉस चेक भी तो करना है कि 3/12/2023 को संडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 10 तारीख को संडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए हम कैलेंडर ओपन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर का। ठीक है, और ये अभी चल रहा है क्या, अक्टूबर, अब हम जाएंगे नवंबर में और फिर जाएंगे दिसंबर में। ठीक है, तो यहां से चेंज कर लेते हैं मंथ, ये नवंबर आ गया और ये आ गया दिसंबर। तो दिसंबर में 3 तारीख को संडे था, देखिए ये संडे दिखा रहा है, और 10 तारीख को क्या पड़ेगा वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, तो 10 तारीख को भी संडे पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ संडे वाले डेट ही हाईलाइट होंगे। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।